स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मंगलवार को एडिलेड में वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना है। टीम इंडिया के लिहाज से ये मैच काफी अहम होगा, क्योंकि अगर इस मैच का नतीजा सिडनी वनडे की तरह रहा तो भारत को ये सीरीज गंवानी पड़ेगी। तीन मैचों की सीरीज में पिछड़ने के बाद टीम इंडिया वापसी के लिए जमकर तैयारी कर रही है। लेकिन इस मैच को जीतने के लिए तैयारी से ज्यादा टीम को उन खामियों पर काम करना होगा जिनकी वजह से सिडनी में भारत को हार मिली थी। देखा जाए तो भारत के खेमे में कई बड़े नाम हैं, लेकिन अब तक टीम कुछ कमियों से पार पाने में नाकाम रही है। एक तरफ टीम चौथे नंबर पर बल्लेबाजों की नाकामी से पार पाना चाह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को अब मैच फिनिशर की कमी भी खलने लगी है। मौजूदा भारतीय टीम में कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाकर मैच का रुख पलट सके। आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को एक मजबूत विकल्प माना जा रहा था, लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी में फंसने के बाद उनके सस्पेंड होने से टीम के लिए परेशानी और बढ़ गई है। हालांकि टीम मैनेजमेंट ने दूसरे ऑलराउंडर विजय शंकर को टीम में शामिल किया है, लेकिन देखना यही होगा कि क्या वो पांड्या के विकल्प के तौर पर सही साबित होंगे या नहीं।